हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनेगा। उसका ये काम होता है कि वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने 4 डायोड का यूज़ किया था। देखिए, ये पहले वाला है, और इस बार जो मैं बनाऊँगा ये 2 डायोड का हेल्प से बनेगा सिर्फ, और एक कैपेसिटर। अब कैपेसिटर देखिए मेरा 2200 UF का है, 25 वोल्ट। अब इसमें 25 वोल्ट ही का रखें, UF 2200 UF है तो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। 100 UF से कम मत लीजिएगा आप। और एक हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, देखिए 909 ट्रांसफार्मर है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल की तरफ का है और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल का है। तो इसमें आपको 3 वायर इधर देखेंगे, 1 2 3, देखिए इधर 3 वायर हैं और इस साइड 2 वायर हैं। तो ये देखिए है 909 और इधर है 220 वोल्ट इन, इधर आउट। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग पहले वाला जो इस टाइप का जो बनाया था, हम लोग इस टाइप का जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं वो सिर्फ 2 तार वाला ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी वायर निकलता है, सेकेंडरी कॉइल का 2 वायर उसमें निकलता है, जैसे कि 12 0 9 0 18 0, उसके लिए वो काम आएगा। मगर ये जो मैं 2 डायोड का हेल्प से बना रहा हूँ, ये 9 0 9 12 0 18 0 18 के लिए काम आएगा। ये देखिए, ये मैंने जो बनाया था ये 2 एम्पियर का है, और ये भी मेरा 2 ही एम्पियर का है। अगर आप इसको 6 एम्पियर तक बनाना चाहते हैं तो दूसरा डायोड, आप इसे थोड़ा बड़ा डायोड लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको कनेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, इसका कनेक्शन मैं इस तरह करूँगा कि देखिए इस साइड जो है ये वाइट पट्टी जिधर है वो डायोड का प्लस है, और जिधर ब्लैक पट्टी है वो माइनस है, और इसमें भी वैसे ही है। तो जो पॉजिटिव मतलब वाइट पट्टी जो है, इसको हम लोग एक तरफ करके इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए, इसको हम लोग कनेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, एक वायर इसका बचा, एक वायर इसका बचा, और ये दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिए। इसमें हम लोग जो डायोड ले रहे हैं इसका नंबर है 4007। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, इसमें जो ब्लैक 2 है, 9 और 9 0 को भी छोड़ देंगे, 9 9 जो है इसको हम लोग पहले सोल्डिंग आयरन के हेल्प से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने राउंड शेप कर दिया, और इसमें हल्का हल्का फ्लक्स लगा लेंगे हम लोग, वायर में भी हल्का हल्का लगा लेंगे, तीनों वायर में। तो अब चलिए सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको हम लोग ऐसे रख लेते हैं, और पहले यही वाला वायर कर लेते हैं, पहले ये वाला वायर हम लोग रख के ऐसे इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो पहले हम लोग आयरन ले लेते हैं, और इस पर हल्का हल्का ये सोल्डिंग आयरन मेल्ट कर लेते हैं। तो देखिए, एक वायर मैंने कनेक्ट कर लिया, अब दूसरे को भी मैं कर लेता हूँ जल्दी से। इसको आप बढ़िया से कनेक्ट कर लीजिए। तो ये कनेक्ट हो गया, आधा से ज़्यादा हम लोग का सर्किट अब कंप्लीट हो गया। अब इसका जो 0 बचा, ट्रांसफार्मर का 0, इसको हम लोग माइनस में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। तो इसमें हल्का पहले फ्लक्स में लगा लेता हूँ, सोल्डरिंग फ्लक्स या फिर सोल्डरिंग पेस्ट बोल सकते हैं आप उसको। तो नेगेटिव साइड ये येलो वाले वायर को मैं लगा लेता हूँ, और एक वायर रुके फिर से मत रुके। अब एक वायर जो इसका बचा है, इसमें मैं ये वाला का, ये जो मैंने सर्किट बनाया उसका एक पॉइंट इस पे लगा देता हूँ ऐसे।
तो देखिए इसका, देखिए जीरो को मैंने डायोड के इस माइनस तरफ लगा दिया नेगेटिव की तरफ, ये नौ को इधर मैं लगा दिया इस पे, इस ये वाला नौ को यहाँ पे लगा दिया डायोड के, और देखिए और जो जीरो है इसको कैपेसिटर के माइनस पे लगा दिया, और ये डायोड का जो दो पॉइंट बन रहा था एक पॉइंट, तो वही पॉइंट पे इसको कर दिया। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे क्या काम करेगा कि ये एसी करंट जो हल्का फुल्का आ रहा होगा उसको पूरा फिल्टर कर देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे दो एलिगेटर क्लिप्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एलिगेटर क्लिप्स, लगा लेता हूँ उसको सोल्डिंग करके प्लस पे प्लस। तो देखिए कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड में प्लस है, नेगेटिव साइड पे माइनस है। और सर्किट आपको समझ आ गया, चलिए इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ये ऑन है, ऑफ, ऑन, देखिए ऑन ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो इसका पहले मैं दोनों पॉइंट इसमें घुसा के ऑफ कर लेता हूँ, मैं इसमें दोनों पॉइंट को घुसा कर और फिर इसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया, ये इसमें देखिए प्लस मेरे ये एसी करंट आ रहा है, इसलिए इसमें सावधानी हल्का बढ़ के, और यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीमीटर रख लिया है, और यहाँ पे देखिए इसका पॉजिटिव पे मैं यहाँ पे प्रोब लगा लेता हूँ, नेगेटिव पे भी प्रोब लगा लेता हूँ, और अब इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैं चालू करूँगा तो यहाँ पे 9 वोल्ट के आसपास कुछ आएगा, देखिए 15 वोल्ट आ रहा है क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो जा रहा है तो वो 15 वोल्ट शो कर रहा है। अब देखिए बंद करूँगा तो धीरे धीरे डाउन होगा क्योंकि इसका चार्ज धीरे धीरे डाउन होगा। तो चलिए इससे हम लोग एक डीसी मोटर चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डीसी मोटर है, देखिए डीसी 5 वोल्ट टू 9 वोल्ट का है। अब इस पर मैं एक टेप लगा लेता हूँ और ये इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए हटाने के बाद ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया, देखिए। तो इसको मैं हटा के चेक करके दिखाता हूँ। तो इस पर एक पॉइंट पे ये लगा लीजिए, दूसरे पॉइंट पे अब इसको लगा, पहले इसको ऑन कर लेता हूँ उसके बाद इसको चला के दिखाऊंगा मैं। देखिए फुल डीसी है, और एक लाइट को भी मैं पूरे डीसी लाइट को ही रख करके दिखाऊंगा। देखिए ये लाइट आप जानते होंगे ये डीसी लाइट है, ये सिर्फ डीसी पे वर्क करेगा, एसी पे वर्क करवाएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो देखिएगा अभी तुरंत जलाऊंगा तो कितना ये रोशनी करेगा। तो हम लोग का यहाँ पे फुल डीसी आ रहा है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जैसे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँचेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।